أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقينا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو میرے لیے آپ کے لیے ہم سب امتیوں کے لیے اللہ کریم نے نمونہ بنا کر یہ ذات بھیجی اور کامل اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجی. یہ نمونہ، یہ اسوہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے، عملی نمونہ ہے. یہ صرف اور صرف باتیں کرنا، گفتگو کرنا، یہ اس کے بارے میں چند جلسے منعقد کرا لینا، سیرت کا جلسہ کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تذکرے پر مشتمل چند محافل منعقد کرا لینا،
ये तकाजा उस्वाए हसना होने का हरगिज नहीं है। उस्वाए हसना होने का मतलब यह है कि पहले आप अपने अकीदे को टटोलें, आपका अकीदा क्या है, क्या अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, क्या आखिरत के दिन पर यकीन है। और जिसको आखिरत के दिन पर यकीन होता है और अल्लाह से मुलाकात का यकीन होता है, उसको फिर एक खौफ तारी होता है, एक खतरा लाहक हो जाता है। और वो खतरा और खौफ क्या है, वो अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ। और जब अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ लाहक होता है, तो फिर यकसर उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसको फिक्र लाहक होती है इस ईमानी कैफियत के साथ, इस कल्बी एहसास के साथ उसको एकदम फिक्र लाहक होती है कि मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूं। मैं अपनी जिंदगी जो गुजार रहा हूं, मैं अपनी गुफ्तार की, अपने किरदार की, अपने मामूलात की, अपनी जिंदगी के रोजो शब की, हर चीज की जवाबदेही के लिए अपने आप को कैसे तैयार करूं, यह फिक्र लाहक होती। जब वो फिक्र लाहक होती है, अल्लाह करे ये कभी हमें फिक्र लाहक हो जाए। अगर ये फिक्र लाहक नहीं होती, अगर हमें ये परेशानी नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिलो दिमाग में कोई और चीज समाई हुई है। अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर ईमान हमारे दिलो दिमाग में नहीं। अगर अल्लाह पर ईमान होगा तो फिर उसका लाजमी नतीजा है कि उसको अल्लाह के सामने खड़ा होने का, जवाबदेही का खौफ उसको लाहक हो जाए। और जिसको ये खौफ लाहक हो जाए, ये दुनिया कायनात की सबसे बड़ी कीमती मता है। कुरान कहता है वम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, उसको ये यकीन हुआ कि मैंने अपने अल्लाह के सामने जाना। और अल्लाह के सामने जाने का जब यकीन हुआ, तो उसको फौरन ये फिक्र लाहक हुई कि मैंने जवाबदेह होना है और जवाब कैसे दूंगा। और जब जवाबदेही का खौफ लाहक हुआ, तो वो पहला काम ये करता है कि जिंदगी की जिस रविश पर वो गामजन होता है, जो कुछ वो कर रहा होता है, जो जिंदगी वो अपनी मर्जी से गुजार रहा होता है, जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील में मारा मारा फिर रहा है, अपनी सारी सलाहियतें लगाए हुए है, वो फौरन उसको रोकता है। पहला काम ये करता है कि वहां ब्रेक लगा। ये ईमान का पहला तकाजा, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जिसको अल्लाह से मुलाकात का यकीन है, जिसको आखिरत के दिन का यकीन है, उसका पहला और लाजमी जो असर है वो अल्लाह का खौफ है जवाबदेही का। और जिसको अल्लाह की जब के सामने जवाबदेही का खौफ लाहक हो गया, वम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, वनहन नफ्स अनिल हवा, उसका पहला असर फिर ये होता है कि वह अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लेता, ब्रेक लगाता है, लगाम डालता है अपनी ख्वाहिशात को। ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उसकी ख्वाहिश खत्म हो जाती। अल्लाह वालों की जो ख्वाहिशात हैं, अल्लाह वालों के की जो एहतियाजात हैं, अल्लाह वालों की जो जरूरतें हैं, अल्लाह वालों को जो कशिश है, वो वैसी ही कशिश, वैसी ही जरूरतें, वैसी ही ख्वाहिशात होती हैं जो हर इंसान को होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह वालों ने अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने जवाबदेही के तसव्वुर की वजह से और जवाबदेही के खौफ से उन्होंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका होता। अब अगला सवाल यह पैदा होता है, जब रोक लिया, आखिरत के दिन का यकीन है और अपने आप को रोक भी लिया, यह भी नहीं करना जो दिल चाहता है, मन चाही जिंदगी हम नहीं गुजार सकते। हर लम्हा मामूलात जिंदगी, रोजो शब, खलवतें जलवतें, तन्हाइयां और महफिलें अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जो जिंदगी गुजारने का रंग ढंग है, इस पर कारबंद नहीं रहा जा सकता। ये उसको समझ आती है, ये उसको अल्लाह ताला
یہ توفیق دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے. ایمان کی دولت آتی ہے تو آدمی کے اوپر یہ حقیقت منکشف ہوتی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے. اب سوال ہے کہ وہ کیا کرے. روک تو لیا, جو زندگی گزر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, رک گئی. معمولات زندگی ٹھیک نہیں تھے, رک گئے. طرز زندگی نہیں تھا ٹھیک, لائف سٹائل ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے. کیا کریں گے؟ آخرت کے یہ دن کا یقین ہے, موت آنے والی ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. کیا کروں, کیسے زندگی گزاروں کہ میں اس جواب دہی میں پاس ہو جاؤں, کیسی زندگی گزاروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, کیسے زندگی گزاروں کہ مجھ سے خوش ہو جائے, کیسے زندگی گزاروں کو میں اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں. یہ ہے وہ ارج اللہ والوں کی, یہ ہے ایمان والوں کی وہ خواہش, یہ ہے ان کی تڑپ, یہ ہے ان کی ضرورت. پھر ان کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں ملتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوئی راستہ نہیں, ایک ہی راستہ. کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ. ہر لائف سٹائل, ہر زندگی کی خواہش, ہر زندگی کی ضرورت, اور ہر انسان کی جو طبیعت کی چاہتے ہیں, وہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ. اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کہاں اسوہ حسنہ ہے. ہر ایک تو یہ وہ میرٹ ہی کوالیفائی نہیں کرتا. ہر ایک, ہر ایرا غیرا وہ میرٹ ہی کوالیفائی نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے بہترین نمونہ. ایمان کی کیفیت ہوگی, اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں نے آخرت کے دن میں اللہ کو جواب دینا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اس کو ہر وقت اللہ کو یاد رہنا چاہیے. اللہ کو یاد رکھنا ہے, ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھنے کے لیے مجھے کیسی زندگی گزارنی, میں کیسی زندگی گزاروں کہ میں اللہ کا عبد بن جاؤں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. آپ کی حیات طیبہ اس کے لیے, آپ گویا عبدیت کا نمونہ ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایک لمحے میں پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت فرماتے تھے اور لمبا قیام فرماتے, بعض اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا, پاؤں سوج جاتا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا ایک روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ آپ کے ہیں نہیں, اللہ کے محبوب ہیں آپ, اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں راتوں کو آپ ساری ساری رات جاگتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں, اتنا طویل قیام کرتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, افلا اکون عبدا شکورا. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد نہ بنوں. اور مراد اس سے یہ ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, اگر میں ایسے نہ کروں تو میری امت کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا, اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے, یہ کون کہاں سے دیکھے گا؟ مجھے شکر گزار بندہ بن کے دکھانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمونہ ہے. لہذا پریشانی اس دنیا میں کس کو نہیں, ابتلا کس کو نہیں, یہ دنیا ہے ہی ابتلا کا گھر. کون سا شخص ہے جس کو ٹینشن نہیں, پریشانی نہیں؟ ہر شخص ٹینشن میں, ہر شخص پریشانی میں. پریشانیاں ختم اس دن ہوتی ہیں جب انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لیتا ہے.
कितने लोग हैं हम में से जिनको जब परेशानी लाहक हो, जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कितने लोग हैं। हम सब उम्मती हैं, उम्मती होने का दावा करते हैं। अल्लाह ने इस्लाम पर अमल की तौफीक भी अता फरमाई, अल्लाह ने मस्जिद में आने की तौफीक भी अता फरमाई। कितने लोग हैं जो बेतौफीक हैं, जिनको मस्जिद आने की तौफीक नहीं है। हमें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, ईमान की दौलत नसीब फरमाई, हम यहां पे मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पर अमल करने की, लेकिन जो इंसान की दाखली खारजी कैफियात हैं, जो इंसान की सोचें हैं, जो इंसान की सारी जिंदगी है, क्या वो उस्वा हसना के मुताबिक है? मैं ये अर्ज कर रहा था कि कितने लोग हैं हम में से जिनको जब परेशानी लाहक होती हो तो पहला ख्याल क्या आता है? जब परेशानी होती है, जरा अपने अपने गिरेबान में झांकें, जब कोई बहुत ही अहम मामला दरपेश हो, जिंदगी की बड़ी परेशानियों में से कोई परेशानी दरपेश हो, परेशानियां नौयत मुख्तलिफ है, परेशानी तो हर बंदे इम्तिहान जो हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला हर शख्स को आजमाता है, मुबतला करता है उसके ईमान की सतह के एतबार से। जितना ईमान है उसी सतह के एतबार से उसको आजमाइश होती है। अल्लाह अकबर। और जिसको आजमाइश कोई नहीं ना आती, वो खुश ना हो, वो फिक्र करे कि उसके ईमान का मसला है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस में आपके सामने रख रहा था जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, उस हदीस में तो है ना, अल्लाह पसंद नहीं करता, इन्नल्लाह युबगिदु कुल्ल जअदरिन जवादिन सखाबिन बिल अस्वाक जीफतिन बिल लैल हिमारिन बिन नहार आलिमिन बि अम्रिद दुनिया जाहिलिन बि अम्रिल आखिरा। ये तो नापसंदीदा लोगों की खसूसियात बताई। अल्लाह, एक हदीस के अंदर आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहलुल नार और अहलुल जन्ना की खसूसियात बताई। आपने फरमाया जो अहलुल जन्ना है वो और तरह के लोग होते हैं, उनका लाइफस्टाइल और तरह का होता है, उनकी जिंदगी और तरह की होती है, और जो अहलुल नार है वो कुल मुस्तकबिर जवादिन जादरीन। अल्लाह, हर मुतकबिर सख्त रूह तरक तलख रवैये वाला और खा खा के पेट बड़ा हुआ खुशहाल। और साथ फरमाया एक हदीस में आता है ला यअलमून रअसहम ला यअलमून रूसहम, कि उनके ऊपर इतनी इब्तिला भी कभी नहीं आई कि जिंदगी में उनको कभी सरदर्द भी नहीं हुआ। फरमाया ये वो लोग हैं, ये खसूसियात हैं जहन्नम में जाने वालों, जो जन्नती होते हैं। फरमाया हुमु दुआफाल मगलूबून, दो ही खसूसियात बताई। ये बेचारे कमजोर होते हैं, अदुआफा अल मगलूबून, ये कभी इनफिरादी मसाइल से मगलूब, कभी हालात से मगलूब, कभी इज्तिमाई मसाइल से मगलूब, कभी औलाद के हाथों मगलूब, कभी पेट के हाथों मगलूब, कभी कोई फाइनेंशियल मसले से मगलूब, कभी मुआशरती मसले से मगलूब, कभी दीन की मुश्किलात, कभी दुनिया की मुश्किलात, कभी इनफिरादी मुश्किलात, कभी इज्तिमाई मुश्किलात, जो मगलूब और कमजोर होते हैं। फरमाया हुम अहलुल जन्ना, वो है जन्नत में जाने वाले, मुतकब्बिर खुशहाल जिनके कभी सरदर्द नहीं हुआ। अल्लाह, उनको फिक्र करनी चाहिए, जिनके ऊपर इब्तिला नहीं आई, जिनके ऊपर आजमाइश नहीं आई, उसको तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर शख्स को उसके ईमान की बकदर, वो जितना उसके अंदर ईमान है उसके हिसाब से उसको आजमाया जाता है। और फिर आपने फरमाया जितनी आजमाइशें मुझ पर आई हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अंबिया पर सबसे ज्यादा मुश्किलात आती, सबसे ज्यादा इब्तिला अंबिया पर आती।
और फरमाया कि अंबिया में से भी जितनी मुश्किलात और इब्तिला मेरे ऊपर आई हैं किसी नबी पर नहीं आई। लिहाजा इब्तिला और आजमाइश, परेशानी हर शख्स को आती है। सवाल करें नजर अपने आप से, गिरेबान में झांक के देखें, पहला ख्याल क्या आता है? परेशानी के बाद या परेशानी की हालत में क्या करना है, क्या ख्याल आता है? अगर तो यह ख्याल आता है कि बैंक में पैसे हैं कि नहीं, अगर यह ख्याल आता है कि किसी अफसर के साथ राबता है कि नहीं, कुछ सिफारिश है कि नहीं, अगर यह ख्याल आता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला है कि नहीं, अगर किसी मादी वसीले सहारे का फौरन ख्याल आता है, अगर परेशानी के बाद पहला ख्याल और पहली तवज्जो किसी मादी सहारे की तरफ जाती है, तो फिर भी मैं और आप अपने अपने ईमान की फिक्र करें, क्योंकि ये उस्वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा पता क्या? लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जिंदगी का रंग ढंग ही मुख्तलिफ है। ईमान वाले इसी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, उनका रंग ढंग और होता है। बेईमान भी इसी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, उनका रंग ढंग और होता है। अल्लाह अकबर। सहाबी कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशानियां आती थी, जाहिर है सबसे ज्यादा आती थी, हमसे बड़ी परेशानियां, उम्मतियों से बड़ी परेशानियां, सहाबा से भी बड़ी परेशानियां, बड़ी इब्तिला, बड़ी आजमाइशें। अल्लाह। और सिर्फ सहाबा से नहीं, सारे नबियों से भी ज्यादा बड़ी परेशानी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सहाबी कहता है कि इज़ा हज़बहु अमरन, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहम मामला दरपेश होता, जब भी आपको कोई बड़ी परेशानी होती, तो सबसे पहला काम पता है आप क्या करते थे? सल्ला, आप नमाज पढ़ना शुरू करते। अब मैं और आप, हम सब देख ले, हम में से अगर किसी का ये तरीकाकार है कि परेशानी में पहला ख्याल नमाज पढ़ने का आता हो, पहला ख्याल अल्लाह की मदद हासिल करने का आता हो, इसलिए कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह की मदद आती है। लिहाजा अल्लाह की मदद लेने का तरीका तो यह है। परेशान होंगे परले दर्जे के, पूछ लें, औलादें परेशान हैं, वालदैन परेशान हैं, रिश्तों की परेशानियां हैं, कारोबार की परेशानी है, घर बार की परेशानी है। पांच वक्त नमाज पढ़ते हो? कोशिश करता हूं, जिससे मर्जी पूछ के देख, कोशिश करता हूं, कभी तीन पढ़ लेता हूं, कभी दो पढ़ लेता हूं, कोशिश तो करता हूं। भाई खाक परेशानी है खत्म होनी। जो बंदा पहला फरीजा दीन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूरी हयात तैयबा, नमाज और आखिर जाते वक्त इस दुनिया से जिस चीज की सबसे ज्यादा ताकीद की, वो नमाज। और हम अगर नमाज ही नहीं पढ़नी तो परेशानी खत्म कैसे होनी है? यानी परेशानी खत्म करने का तरीका हमारे पास है और उसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? इसलिए कि हमारे लाइफस्टाइल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल फिट नहीं आता, वो और तरह का ही है, और तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईशा के बाद सो जाना चाहिए, ईशा के बाद बातें नहीं करनी चाहिए, हमारी बातें ईशा के बाद शुरू होती हैं। लाइफस्टाइल है ना। और इस लाइफस्टाइल में तहज्जुद कहां फिट होती है? जब किसी ने सोना ही रात को, किसी ने दो बजे, किसी ने तीन बजे, किसी ने चार बजे, और सारे काम, सारी बातें, सारी गपशप, सारी वीडियो गेम, सारे इंटरनेट के मसाइल, सारी दुनिया से राबता, वो सारा रात को होता। तो जब 12, 1, 2, 3 बजे तक जागता रहेगा तो उठेगा कब? फजर के वक्त भी जाग आ जाए तो ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है, वगरना हालात ये नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को पूरी जिंदगी के इस साइकिल में तत्हीर का एक तरीका बताया, और वो हदीस आपने सुनी हुई है, लंबी हदीस, जिसमें आपने फरमाया था कि तुम अपने अपने आप को गुनाहों की भट्टी में जला रहे होते हो,
फिर तुम नमाज पढ़ते हो तो सारा कुछ खत्म हो जाता है, वो गुनाह साफ हो जाते हैं। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से लेकर इशा तक का जिक्र फरमाया, और इशा के बाद आपने ये नहीं फरमाया कि उसके बाद तुम फिर गुनाहों की भट्टी में जल रहे होते हो, फरमाया थुम्म तनामून, फिर तुम सो जाते हो। इशा के बाद आपने इशा से पहले सोने से मना फरमाया और इशा के बाद जागने से मना फरमाया। हमने सोना भी हो तो इशा से पहले सोते हैं ताकि इशा चली, शैतान साथ है ना, सारे काम उसने हमारे खराब किए और कुछ हमने उसके साथ पूरा मुआवनत की हुई है, कुछ पूरा तावन किया। तो मैं जो हदीस आपके सामने रख रहा था उसको इस सारे फलसफे के तनाजुर में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह नापसंद करता है किसको? एक तो आकड़ खां है, कुल्लु जा इन अल्लाह युबगितु कुल्ल जादरीन जवादिन सखाबिन बिल अस्वाक, बाजारों में घूमने वाला, मंडियां बाजार उसमें जाने का उसका बहुत शौक होता है और बहुत शौक से फिरता है, खाना पीना उसका मशगला है। अल्लाह, जवाज कहते हैं वो शख्स जिसने खाना पीना मकसद जिंदगी बनाया हुआ, उसका जरूरी नहीं पेट निकला हुआ हो, यानी पेटू सिर्फ वो नहीं होता जिसका पेट निकला है, पेट किसी बीमारी से भी निकल सकता है, वो किसी भी वजह से निकलता है, पेटू वो होता है जिसने खाना पीना मकसद जिंदगी बनाया हुआ। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया जो काफिर और मुनाफिक है ना, यानी मोमिन का खाना और है काफिर और मुनाफिक का खाना और, मोमिन क्या कितना खाता है? फरमाया मोमिन एक आंत भर के खाता, एक आंत भर के खाता, और काफिर और मुनाफिक फरमाया वो सात आंतें भर के खाते, गोया एक और सात की रेशो है मोमिन के खाने की और काफिर के, काफिर मुनाफिक के खाने। अल्लाह अकबर। फिर एक हदीस में यह भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को उतनी ग़िज़ा काफी है जो इसकी कमर सीधी करने के लिए जरूरी है, जो कमर सीधी करने के लिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि भूख की वजह से इसकी कमर ही टेढ़ी हो जाए, और जो कमर सीधी करने के लिए काफी है वही असल में जरूरत ही उसकी है और वो काफी। हम आज से पहले अब हमारा अपना बचपन, अपने दोस्तों से बात करता हूं कि हम अक्सर हमारा जो सालन होता था वो लस्सी के अंदर मिर्चें घोल के हम खाना खा लेते थे, लस्सी में मिर्चें डाल के। अल्लाह अकबर। अब ये जो सलाद, ये सॉस, ये मिंट सॉस है, ये फलां किस्म की, ये सब एक्स्ट्रा है। जरा दस्तरखान देखें कितना वसी हुआ है, उसमें जो सलाद होता है दो तीन चार किस्म की चटनियां और सलाद, ये तो बिल्कुल एक जायद चीज है। क्या खाना पीना मकसद जिंदगी नहीं बन गया? कहीं हम जवाज तो नहीं बन गए? कहीं हम जाजरी तो नहीं बन गए? अल्लाह को नापसंद है ये जिंदगी? अल्लाह को जो जिंदगी पसंद है वो लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कोई मुजदलफे वाली रात के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजर से पहले जो अल्लाह की बंदगी का वक्त है वो सोए रहे। कभी कोई एक आध दफा कोई जंग जिहाद में कोई ऐसा मौका आया हो? लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसन। अल्लाह अकबर। और हम क्या कर रहे हैं, अपना हमारा लाइफस्टाइल क्या है? और फिर एक की आमदोरफ्त बाजार में है, एक की आमदोरफ्त मस्जिद में है। और मैंने अर्ज किया था कि ये मंडियां और बाजार बदतरीन जगह हैं, जरूरत के तहत जाना है। इसका मतलब ये नहीं है बदतरीन जगह है तो वहां जाना नहीं है, जाना है जरूरत के तहत, और जरूरत के तहत भी जाना है तो अल्लाह को याद रखना है। फैदा कोदियतिस सलात फंतशिरु फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जाओ बाजार में, जाओ नमाज पढ़ ली है, जाओ अल्लाह का फजल तलाश करो। वज़कुरुल्लाह कसीरा, लेकिन अल्लाह को याद रखना वहां भी, भूल नहीं जाना। वज़कर अल्लाह कसीरा, यहां भी यही फरमाया है, जिसने अल्लाह को याद रखना हो उसको सोचना चाहिए कारोबार करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार कैसे करते थे। उसके वो अगर नौकर है
तो उसको ये देखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी के तायुन के लिए और जिम्मेदारी की अदायगी के लिए क्या तालीमात अता फरमाई। अगर वो मालिक है, आजिर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए क्या तालीमात, ये है वो जिंदगी, वरना हम क्या है, अल्लाह नापसंद करता है उनको। और फिर वो डिग्रियां क्या है, फरमाया सखाब बिल अस्वाग, एक वो शख्स है जिसका आना जाना सिर्फ और सिर्फ बाजारों में है, और एक वो शख्स है जिसका आना जाना मस्जिदों में है। आपने फरमाया जिसको पांच वक्त मस्जिद में आता जाता देखो, इदा रअईतुम अहदकुम यअतादुल मस्जिद, तुम देखते हो कि कोई बंदा मस्जिद आता जाता, जब देख तो मस्जिद जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मस्जिद के लिए दौड़ धूप करता, मस्जिद मामला ठीक करता। फरमाया फशहदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दे दो, जिसका ताल्लुक मस्जिद के साथ, ईमान की गवाही। ये लाइफस्टाइल है, ये जिंदगी है, ये जिंदगी का एक तरीका है, एक रंग ढंग है। उस्वा हसना सिर्फ और सिर्फ गाने बजाने की चीज, सिर्फ और सिर्फ नाते पढ़ने की चीज, सिर्फ और सिर्फ महफिलें मुनाकिद करने की चीज, अगर जिंदगी नहीं बदली, जिंदगी का उसलूब नहीं बदला, जिंदगी का रंग ढंग नहीं बदला, इसका मतलब हमने उस्वा हसना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को नहीं बनाया। न शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी, न मामूलात जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे, न कारोबार उस उन तालीमात के मुताबिक, न तर्ज जिंदगी वो, न सोना उसकी तरह, न जागना उसकी तरह, न खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, लेकिन कहता है कि मैं उसे हसना समझता हूं नबी। ये तो बेईमानी है, ये ईमान नहीं है, ये बेईमानी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान नसीब फरमा। तो फरमाया कि रातों को मुर्दार की तरह पड़े होते हैं और दिनों दिन को गधों की तरह काम करते हैं। और जो आखिरी दो बातें हैं, मैं उसकी तरफ जरूर तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आलिमिम बि अमर दुनिया व जाहिलिम बि अमर आखिरा। अल्लाह अकबर, पूरा निजाम, पूरा सिस्टम, हमारा पूरा निजाम जिंदगी देख लीजिए। दुनिया के बारे में, दुनियावी उमूर के बारे में बड़े माहिर हैं, जिससे जो मर्जी पूछ ले, हर चीज का बड़ा पता, मोबाइल से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, कारोबार से लेकर, एक एक चीज, गाग को चारना कैसे है खूब पता है कारोबारी को, और गाहक को खूब पता है कि मैंने दुकानदार को कैसे चारना, सबको खूब पता। आलिमिन बे अमरिद दुनिया, जिस शख्स को दुनिया के सारे उमूर का पता है, लेकिन जाहिलिम बे अमरिल आखिरा, उससे पूछ लो ना थोड़ा सा, कोई बात कर लो दीन की, कोई नमाज की, कोई रोजे की, नहीं 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 ये नहीं मुझे पता, कोई अल्लाह रसूल की बात कर लो, वो नहीं पता, आखिरत की बात का नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि वो तो उम्मती होने के दावे को वो सच्चा साबित नहीं कर सका। वो उम्मती कहता है अपने आप को जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों का पता नहीं है, दुनिया के सारे उमूर का पता है, वो आलिम नहीं है, असल में वो जाहिल है। लिहाजा देख लीजिए, जितना हमारा निजाम तालीम है, जितनी डिग्रियां हैं, जितने बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, अगर उनको उमूर आखरत के बारे में इल्म नहीं है और उमूर आखरत का उनके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनकी ये सारी जिंदगी की सारी डिग्रियां और सारे इदारे किसी काम के नहीं। लिहाजा देख लीजिए आप, हमारा निजाम तालीम क्या पैदा कर रहा है, हमारा सिस्टम किन चीजों को प्रमोट कर रहा है, जिस मुआशरे के अंदर आलिम की इज्जत ना हो बल्कि अदाकार की इज्जत हो, गाने बजाने वाले की इज्जत हो, और मरासियों की और डूमों की और भांडों की इज्जतें हों, उस मुआशरे के नौजवान फिर अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में नहीं होते, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा नहीं समझते, वो भांड डूम और मिरासी बनने की कोशिश करते। इसलिए कि हमने ये सारा का सारा मुआशरा और अपनी जिंदगी अपने उस दावे के खिलाफ गुजारी हुई है, और अल्लाह इसको इंतहाई नापसंद कर। अगर नौजवान ने वो काम करना है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से उम्मीदें बांधी, और नौजवान ही हैं जो दरअसल इस्लाम का झंडा लेकर उठ सकते हैं, उनको अपना तर्ज जिंदगी तब्दील करना पड़े, तर्ज जिंदगी तब्दील करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सुबह उठते थे, कौन सा नौजवान है जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रोजा रखते थे तो सहरी जरूर फरमाते थे, रोजा नहीं रखते थे तो भी आप नाश्ता फरमाते थे, चाहे एक खजूर से हो। कोई कुछ घर में नहीं होता था खाना खाने के लिए, दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन उन हालात में भी कुछ ना कुछ नाश्ता जरूर फरमाते थे। हमारे घर में सब कुछ है, जब निजाम जिंदगी उलट होता है, जब मतमय नजर उलट होता है, तो घर में सब कुछ होने के बावजूद सुन्नत पर अमल की तौफीक नहीं होती। लिहाजा देख लीजिए घरों के अंदर, हमारे मुसलमानों के घरों के अंदर कितने लोग हैं, कितने बच्चे नौजवान हैं जो नाश्ता करते हैं, नाश्ता तक नहीं करते। क्यों? अल्लाह तौफीक ही नहीं देता, सुन्नत के मुताबिक तर्ज जिंदगी की तौफीक ही नहीं मिलती। वो मामूलात ही सारे बिगड़ते हैं, सारा निजाम बिगड़ता है, पूरा तर्ज जिंदगी बिगड़ता। इसलिए अगर मुसलमानों और मुसलमानों के नौजवानों, अगर अल्लाह के दीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करनी है और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा पर अमल करना है, तो आज तर्ज जिंदगी तब्दील करने की, आज तर्ज जिंदगी और उसलूब जिंदगी तब्दील करने की आज से नियत कर लें और उसके लिए कोशिश शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अगर हमने एक कदम भी इस तरफ उठाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा बनाने के, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन कर देगा। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।